सब तो पहला मैं सारे अपने बड़े बुजुर्ग बीबियां भैणां नूं सब तो पहला मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो वैसे काफ़ी बारी आ गई पर अभिजोत नूं ये पहली बारी मौका मिलिया। तो जदों असी एंट्री किए तो मैं देखा कि अखां च पानी आ गया सी। मैं इन्हें दसती रहती सी कि तुसीं उत्थे जाके एक बार देखे पर थोड़े जे स्टडी करके थोड़ा करोना करके ये नहीं सी आ सकिया। जदों दा इत्थे दिल्ली धरना होया साडा तकरीबन सत्तवा अठवा गेड़ आया ते असी उदों तो ही 10-11 फेज़ दियां लाइटां ते लगातार इस छोटे बच्चे तो लैके 80-82 ते एक साड़ी 85 साल दी बीबी भी आ। मीह जावे नेरी जावे ठंड गर्मी असी कोशिश करते हैं कि असी इन्हां जिहड़े इत्थे मेरे वीर बैठे ने मेरे बजुर्ग बैठे ने इन्हां दा असी देना कदे नहीं दे सकते पर जिन्ना क भी साडे वो हिस्सा पै सकता है असी उत्थे अपना हिस्सा पा रहे हैं। सिरसा जी भी साढ़े उत्थे गए राजेवाल साहब जी भी गए चडूनी भी साढ़े उत्थे देख के आए हैं। तो ये बच्चे नूं तुसी कदे कोई सोचूगा कि शायद इन्हूं किसी ने सिखाया पर ये साडा गॉड गिफ्टड बच्चा आ। इहदे विच इन्ना ज़्यादा जज्बा आ कि तुसी हैरान मन जूंगे कोई नहीं कह सकता कि यह अपने दिलों गल्लां करदा। जदों इन्हें पहली इंटरव्यू दिती सी तो असी सोचा कि भी तू ये गल्लां कित्थों सीखियां पर हुण तुसी आपे सारे देख सकते हो इहदे विच इन्ना जज्बा। आपां कहिंदे हुंदे सीगे कि भगत सिंह होनी पता नहीं किहड़ी दुनिया विच पैदा होए सी। अज मैं तुहानूं सारिआं नूं दसणा चाहुंदी हाँ कि भगत सिंह करतार सिंह सराभा साढ़े इहो जे बच्चे ही सीगे यही वड्डे बच्चे उदों वड्डे हो के जिहड़े ने साढ़े देश लई कौम दे लई जिंद जान वारन दे लई हमेशा तैयार रहणगे। तो मैं सारे ही किसान वीरां नूं सल्यूट करदी हाँ कि असी मजबूरियां करन चाहे असी इत्थे रह नहीं सकते पर असी तुहाडे नाल डटे होए हाँ। ये काले कानून असी वापस करवा के ही हटांगे। बोले सो निहाल किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसानों तुहाडी सोच ते, शहीदों तुहाडी सोच ते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।